और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। मशहूर दर्शन शास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म वर्ष 1817 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा, जाति प्रथा और महिलाओं की गुलामी के खिलाफ कई कारगर कदम उठाए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की, जिसे बाद में उनके बेटे और मशहूर लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने एक यूनिवर्सिटी में बदल दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर को बंगाल की आवाज के रूप में याद किया जाता है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा का निधन आज ही के दिन वर्ष 1993 में हुआ था। भारत में सिर्फ दो ही ऐसे आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्हें सेना के हाईएस्ट रैंक यानी फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया, और ये दो नाम हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। शहीद भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी की सजा पाने वाले महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में हुआ था। सुखदेव थापर लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाया करते थे और इसी कॉलेज में दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने नौजवान भारत सभा के नाम से एक संगठन बनाया। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया था और इस बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा सोच समझ कर वोट दीजिए, और जहां तक हो सके स्पष्ट बहुमत देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे देश में गठबंधन राजनीति की इमारत अक्सर भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी होती है। नमस्कार।